7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का आने भूगोल का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, ठीक है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेन सेम्पुल ने। ओके, पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेन सेम्पुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। तो ऑप्शन ए है रेटर ने, ऑप्शन बी है रेटजेल ने, ऑप्शन सी है एलेन सी सेम्पल ने, और ऑप्शन नंबर डी है टेलर ने। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेन सी सेम्पल ने, ठीक है। टू का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो थ्री का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फोर है, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई, ठीक है, किस वर्ष मानव की संख्या 6 अरब हुई। तो 6 अरब किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स मानव की संख्या। तो चार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो पाँच का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन ने, ठीक है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो नोएस्टीन ने दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, ठीक है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। तो सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 50 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रश्न क्या है, सेवन नंबर, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, ठीक है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो कितनी की गई। तो सेवन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़, ठीक है, सेवन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, प्रश्न क्या है, एट नंबर, लिंग अनुपात का संबंध है, तो लिंग अनुपात का जो संबंध है ऑप्शन नंबर ये है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, ऑप्शन बी है बच्चे तथा प्रौढ़ों के बीच, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आठ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, विश्व में सबसे अधिक नागरिकता देश है, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक नागरिकता देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है लाटविया, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो नाइन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोच्चतम संकेतक है। तो दस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ओके, टेन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु अपरदन, ठीक है, 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वायु अपरदन, ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर, ठीक है, खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है फ्रेंड्स वो क्या है, तो जून से सितंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चावल धान की खेती संबंधित है, तो चावल धान की खेती किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये है रोपण कृषि से, ऑप्शन बी है
ट्रक कृषि से ऑप्शन नंबर सी है, भूमध्य सागरीय कृषि से और ऑप्शन नंबर डी है, गहन निर्वहन कृषि से। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो प्रश्न क्या है, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लोह अयस्क के लिए। ठीक है, ये जो क्षेत्र है लॉरेन सार क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, चीन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, खनिज तेल, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो खनिज तेल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ठीक है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन लोह अयस्क की किस्म नहीं है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है लिग्नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 19 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ठीक है, जो रोपण फसल नहीं है फ्रेंड्स वो निम्न में से कौन है, तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। ठीक है, गेहूं जो है वो क्या नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डॉट 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 कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन ए है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी है कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी है स्वच्छंद उद्योग और ऑप्शन नंबर डी है लघु उद्योग। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, आधारभूत उद्योग। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, बाह्य सूत्रीकरण सहायक है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जामनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ क्रियाकलाप में। ठीक है, 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पतन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो 27 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डार्विन और मेलबर्न के बीच में। ठीक है, डार्विन और मेलबोर्न के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रश्न क्या है,
यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ है, ठीक है, यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ है, तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है, तो 31 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सीमाओं का था, तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे होगा राजधानी है, ओके। तो इसका जो सही आंसर है, 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है अदीस अबाबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेखीय प्रतिरूप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।